सच्चाई के लिए लड़ो और किसी से मत डरो। टप्पू बेटा हुआ क्या, हुआ तो बताओ। अरे आंटी, टप्पू आज स्कूल में राउडी राठौर बन गया था। आज स्कूल में जब इंटरवल था ना, मतलब रिसेस टाइम था ना, तभी जिया ये केले का छिलका उस रस्सी में थ्रो करके दिखाओ। जिया को चैलेंज। या देखना, फर्स्ट टाइम में ये छिलका डस्टबिन में। रॉकी, इसे तुझे कचरे का डब्बा समझकर तुझ पे कचरा फेंका। आई एम सॉरी रॉकी, गलती से हो गया। सॉरी नहीं, इस डस्टबिन का सारा कचरा तुझ पे फेंक के रहोगा। छोड़, तू डस्टबिन छोड़। रॉकी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डस्टबिन छोड़ दे। टप्पू, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। ओ रॉकी, टप्पू को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। और हाँ, टप्पू कैंटीन में भी 10 वाली सादी सैंडविच नहीं खाता है, 15 वाली चीज सैंडविच खाता है। फिर भी मैं उस पे कचरा डाल के रहूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी कहते कि लड़कियों को मान सम्मान देना चाहिए। और कसम से, अगर तूने जिया पे कागज का एक टुकड़ा भी डाला, तेरे सिर पर हेयर पिन लगाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। समझा? समझा? ओके, तो हेयरपिन में बहुत खराब दिखेगा। टप्पू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए छोड़ रहा हूं। चलो। वाह टप्पू वाह, तूने तो घड़ा खानदान का मान बढ़ा दिया। नहीं बापूजी। हाँ तो पोता किसका है? टप्पू बेटा, तू हीरो है, हीरो। तुझमें बापूजी जैसे संस्कार और सुंदर मामा जैसा जोश है। शाबाश टपूड़ा, हमेशा माँ बहन बेटियों के मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जब से जिया के पापा नहीं रहे, तब से जिया बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। अगर वो लड़का सचमुच सबके सामने स्कूल में जिया पर कचरा फेंकता, तो जिया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता। वो बहुत ही रोती और शायद स्कूल आना ही छोड़ देती। टप्पू, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। टप्पू, मेरा कोई भाई नहीं है। इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। जिया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे इस रक्षाबंधन क्या, टप्पू हर रक्षाबंधन अपनी छोटी बहन जिया से राखी बंधवाएगा। हाँ, हम भी। लो बोलो, ये जिया तो कितने नसीबदार निकले, एक साथ चार चार भाई मिल गए। अरे
जिया हर रक्षाबंधन में रोती रहती थी। उसका कोई भाई नहीं है। पर अब जिया हंसेगी, है ना बेटा? हाँ। अरे वाह टप्पू, इस बार तो जिया के लिए स्पेशल और पहला रक्षाबंधन होगा ना? फिर तो टप्पू अपनी बहन की फर्स्ट रक्षाबंधन एकदम स्पेशल और यादगार तरीके से मनाएगा। वाह। आंटी, आप लोग कल ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। वेलकम टू रक्षाबंधन।